फाइनली तुम आ गए, माय लव। टीना एक मिनट रुको, हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है? आई लव यू। ये तुम्हारे लिए। मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है टीना। क्या फिर से बोलना? मुझे एक अच्छी जॉब मिली है और यही मौका है मेरा अपनी घटिया जिंदगी से बाहर आने का। मजाक कर रहे हो? मुझे ले चलो, यही घटिया नौकरी और कूड़ेदान में रहना होगा क्या मुझे? हाँ, जब भी मौका मिलेगा मैं आकर मिलूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। मेरा तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ अकेले कैसे रहूं? मुझे माफ करना टीना, एक घंटे में मेरी ट्रेन है और मुझे कैसे भी जाना ही होगा। और ये बकवास सर्विस जॉब और जेक से भी ब्रेकअप हो गया, मैं अकेली हूँ बिल्कुल। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे लिए वो कपड़ा भी नहीं ढूंढ सकती हो? सीरियसली? हे लेडी, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ? आई एम सॉरी। इंटरेस्टिंग। ओह वेरी इंटरेस्टिंग, और साथ में सुंदर भी। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। ये कैसे हो सकता है? मुझे इसी की तो कब से तलाश थी। अपना हाथ हटाओ, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। और तुम्हें मेरी मॉडलिंग एजेंसी की जरूरत है, मैं एक फेमस डिजाइनर हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है बताओ? हाँ, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगी, तुम बहुत सारा पैसा कमाओगी और दुनिया जीत लोगी। हाँ, मुझे चांद पर क्यों नहीं भेज देते हो? हाँ बताओ। मैं चांद का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें मॉडल जरूर बना सकती हूँ, आओ। ओह लड़कियों, आराम से लड़कियों, देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं यहाँ पर टिकटॉक रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्रिश, मुझे ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। नहीं नहीं, आज नहीं। ओह एक मिनट, हम साथ में तो टिकटॉक बना ही सकते हैं। हाँ। चलो जाओ यहाँ से, मैं क्रिश के साथ रहूंगी। बिल्कुल नहीं, वो मेरा क्रश है, उसके साथ मैं रहूंगी। नहीं, मैं रहूंगी। लड़कियों लड़ो मत, हम साथ में करते हैं ना। वाओ, ये जगह बहुत सुंदर है, लेकिन क्रिस्टी है कहाँ? मुझे यहाँ ले आई और गायब हो गई, अजीब है। हाय, क्या तुम नहीं हो? वाओ वाओ, मेरा नाम केटी है, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम यहाँ पर नहीं? रुको, स्पीड कम करो, तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं केटी हूँ और तुम? ठीक है, मैं टीना हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ क्या करना होगा? हाँ, तो क्रिस्टी ने कहा है कि यहाँ पर एक न्यू कमर है। ओ तुम नहीं? हेलो, मैं क्रिस्टी की असिस्टेंट हूँ, मैं तुम्हें रिहर्सल के लिए तैयार करूँगी। रिहर्सल? लेकिन मैं अभी तो आई हूँ। चलो, गुड लक, रनवे पर मिलते हैं। मैं अब उन्हें छोड़ने वाली हूँ, वो सब बेकार के मॉडल है। चलो चुपचाप रिहर्सल में लग जाएं। हम वैसे 20 मिनट लेट हैं, ये डरावना है। शांत हो जाओ तुम लोग, अच्छी बात ये है कि क्रिस्टी हमें पकड़ नहीं पाई। रुक जाओ। तुम लोग रिहर्सल छोड़कर यहाँ पर कहाँ घूम रहे हो? क्रिस्टी, क्या तुम पूरा समय यहीं थी? पता नहीं तुम लोग कहाँ भटक रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि रिहर्सल समय पर होनी है? वो हाँ। क्रिस्टी, मेरा पेट बहुत खराब हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ये लड़कियाँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। इसलिए शायद तुम क्रिस के साथ टिकटॉक बना रही थी। मैंने सब देख लिया है। उप्स, प्लान काम नहीं किया। देखो बहुत हो गया है, तुम लोग तुरंत रिहर्सल करने के लिए वापस जाओ, वरना मैं तुम सबको अपनी एजेंसी से बाहर निकाल दूंगी। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक बात और, आज हमारे बीच एक न्यू कमर है, तो उसका अच्छे से स्वागत करना। क्या, एक और न्यू कमर? हद है। वाह, ये जगह कमाल की लग रही है, यहाँ असली रनवे भी है, देखो। कमाल लड़कियों, जल्दी करो, रिहर्सल का टाइम शुरू हो गया है। ये किसी मॉडल की चाल नहीं है, तुम सब अभी रैंप से निकलो।
इन पैरों को कब सीधा करना सीखोगी? ऐसे नहीं चलेगा। टीना तुम इधर आओ। मैं? नहीं तो कौन? घबराओ मत लड़कियों, ये टीना है, ये आज से हमारे साथ ही रिहर्सल करेगी। ये अजीब चूजी है। क्या ये हाई हील्स पहनकर चलना जानती भी है? इसे पहनो और रनवे पर तुरंत आओ। मैं नर्वस हूँ। क्या तुम बहरी हो? मैंने कहा ना पहनकर जल्दी आओ। ऐसा कर रही हूँ? हाँ, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। आउच, लग गई, लग गई। अब जल्दी उठो भी, क्या तुम्हें उठाने के लिए चार लोग बुलाने पड़ेंगे? नहीं, मैं ये करूँगी, माफ करना। ऐसे नहीं होता, नाम और पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वरना जाओ सड़कों पर झाड़ू लगाओ। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मुझे माफ करना। बहुत बढ़िया टीना, ये आइडिया पक्का काम करेगा। हाँ तो लड़कियों, चलो जल्दी काम पर लग जाओ। दोस्तों, हमारे यहाँ एक पार्टी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले तो मैं अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदूंगी और आप मुझे कमाल करते देखोगे। सब्सक्राइब किया? बढ़िया। फाइनली काम हो गया। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती। देर तक नहीं सोच पाओगी, तुम्हें जल्दी निकाल दिया जाएगा। बस करो, टीना को परेशान क्यों कर रहे हो? ये नहीं है, याद करो जब तुमने शुरुआत करी थी। किटी चुप रहो। ठीक है लड़कियों, मैं ब्रेक ले रही हूँ। क्या तुम हमारे साथ क्रिश की टिकटॉक पार्टी में नहीं आओगी? नहीं, मैं थोड़ी देर सो लूंगी, आखिर कल शो है ना। लड़कियों, ये आने भी बहुत शर्माती है, वहाँ क्रिश होगा ना। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैंने अपना मन बदल लिया, मैं भी चलूंगी, नींद कैंसिल। ठीक है, चलो अपनी सबसे अच्छी ड्रेसेस पहने और पार्टी करें। अरे मैं क्यों राजी हुई, मेरे पास कपड़े भी नहीं है और मेरी सैलरी भी नहीं आई है अभी तक। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ड्रेस उधार दूंगी, मेरे पास बहुत है। लड़कियों तुम तो कमाल हो, आज की पार्टी सिर्फ तुम्हारे नाम है। हे दोस्तों, मैंने देखा आप कितनी जल्दी सब्सक्राइब कर रहे थे, तो ये नई ड्रेस जैसा मैंने वादा किया था। ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके रीड करें। वाओ, क्रिश कितना हैंडसम लग रहा है, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? उसे ऐसे मत घूरो। तो क्या ये है तुम्हारा क्रिश? हाँ, एक पॉपुलर टिकटॉकर है और बहुत पैसे वाला भी। हाँ, वो एक क्रश है, मैं बिना सोचे उस जैसे से शादी कर लूंगी। सचमुच, आराम से लड़की, पार्टी करनी चाहिए। मैं तुम सबके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। मेरा मन बदल गया। तुम कमाल हो बिना गाए हुए भी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट सिंगर कौन है बताओ, जो बताएगा उसे मिलेगी एक किस। मुझे पता है, क्या ये वीकेंड है? सही है। गलत जवाब है तेरा। मुझे पता है, वो ड्रेक है। अरे बाप रे, अब कोई और है जो अपना ज्ञान बांटेगा? जस्टिन बीबर। ये मूर्ख मुझे हंसाती है। अरे बस कर, कमाल कर दिया तूने, तो कमाल कर दिया। हाँ, उसने बस गेस किया था। वैसे तुम सब हमारी नई मॉडल से मिलो, टीना। क्रिस वैसे ही तुमसे शादी करना चाहती है। अरे हाँ, उसने एक बार उसे देखा और उसे प्यार हो गया। चलो बताओ, क्रिस से कौन शादी करना चाहता है? अपना हाथ उठाओ। ओह टीना, क्या हुआ, तुमने अपना हाथ नहीं उठाया? क्रिस,
ये कैसी रहेगी? इससे डर गए क्या? कितनी शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही भयानक है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं वहाँ गई ही क्यों? ओके टीना, तो तुम वापस आ गई हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारी मेकअप में मदद करती हूँ। अभी नहीं। ओहो, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो टीना? मैंने खुद को बेवकूफ बनाया, दरअसल लड़कियों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे इस बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। हम क्रिस की पार्टी में थे और उसने एक क्वेश्चन पूछा और मैं अकेली ने जवाब दिया। तो क्रिस ने कैसे रिएक्ट किया? उसने ताली बजाई और कहा ब्रावो। फिर क्यों अपसेट हो तुम? तुमने उसे इम्प्रेस किया है। मेरे मुंह से निकल गया कि काश मेरा उसके जैसा पति होता और केसी ने सारी बातें उसे बता दी। अब मैं क्या करूं? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, थोड़ा शांत होकर खेलो और उसे अपनी लाइफ में वापस आने दो, वो पक्का तुम्हारा हो जाएगा, समझी? क्या सच में? अब मेरा यकीन करो, एक दिन सब लोग तुमसे जलेंगे। अभी चलो तुम्हारे लिए मेकअप चुनें, कल का दिन क्योंकि काफी बड़ा है। सच में? यकीन करो, मैंने जो कुछ भी कहा है देखना, वो सब सच होगा। अब ये बेकार की बातें छोड़ो और उठो, चल कर तैयारी करते हैं। जल्दी करो सिंडी, हॉल में पहले ही पत्रकार और लोग पहुंच चुके हैं। मैं सब कुछ कर दूंगी। हम बाहर जा रहे। ओह माय, मैं नर्वस हूँ। तो तुम चली क्यों नहीं जाती, प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो भी, एलिस अपने ऊपर ध्यान दो। शुक्रिया किटी। तो ये ड्रेस तुम लो और ये टीना शो की शुरुआत करने वाली पहली लड़की होगी। क्या क्या मतलब है, वो न्यू कमर अभी आई है, क्रिस्टी? उसे देखो, उसकी शक्ल में जो फ्रेशनेस है वही लोगों को आज पसंद आएगी। बिल्कुल राक्षस दिखती है ये, भयानक। मैंने कह दिया ना, मेरी पसंद लाजवाब है। जल्दी करो, ड्रेस पहनो, शो टाइम है। सब लोग मेरे पीछे आओ जल्दी। हाँ टीना, मुझे तुम पर यकीन है, तुम शो शुरू कर सकती हो। गुड लक। द क्रिस्टी फैशन शो अब शुरू होने ही वाला है। मुझे डर लग रहा है। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें शो शुरू करने नहीं दूंगी। ओ नहीं, मैं क्या करूं? मैंने खुद को शर्मिंदा कर लिया है। कमाल है, मस्त है। तेरे टांगे तो मस्त है। ओहो, टीना का एक पैर का जूता खो गया, अब क्या करें? क्या कोई मुझे थोड़ा पानी दे सकता है? मैंने सब गड़बड़ कर दिया, बहुत शर्मनाक है। टीना, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, समझी? बहुत हुआ, मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाऊंगी। ओ, सब टीना पर हंस रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्रिस्टी, क्या हमें इसकी जरूरत है? बकवास बंद करो, अब तुम सबको ये शो खत्म करना होगा। देखो ये मुझे हॉल में मिला। ए टीना, तुम चुप हो जाओ, रो मत, गलतियां तो सबसे होती है ना, अगली बार ध्यान रखना और कॉन्फिडेंस से चलना। ये रहे तुम्हारे फर, अपनी दूसरी वॉक के लिए तैयार हो जाओ और बाकी लोग अपना रनवे पूरा करो। सब लोग मेरे पीछे आओ जल्दी। हाँ, एक बात ध्यान रखना टीना, या तो आज तुम चमकोगी या जिंदगी भर सफाई करती रहोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, समझ गई? मैं ये करूंगी, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। फर को खराब मत करना। और अब एक ऐसा सेगमेंट जिससे आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे, क्रिस्टी की लड़कियों का विंटर कलेक्शन फैशन शो, वो भी 2024 का। चुड़ैल कहीं की, वो पहले ही चली गई। ब्रावो, मुझे यही तो चाहिए था। शुक्रिया।
ये शानदार रहा टीना, तुमने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच है? लगता है तुम्हें कोई चाहने वाला मिल गया है। लगता तो है। बेटा तुम्हारा मेकअप हटाते हैं। मैंने कहा था ना वो तुम्हारा जरूर होगा। ओह ये तो सिर्फ गुलदस्ता है। हे ब्यूटीफुल, कैसी हो? ओए शायद मुझे जाना चाहिए, मैं लड़कियों को बिजी रखती हूँ। तब तक तुम यहाँ इसके साथ अच्छे से खेलना समझी। सुनो क्रिस, मेरे लिए फूल लाने के लिए शुक्रिया। हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया को बिछाना चाहता हूँ। वाओ, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगी? मैं नहीं आ सकती, मैं थोड़ी बिजी हूँ, सॉरी। समझ गया। क्रिस तुम ऐसे लगते हो जिसे कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं पहली बनूंगी। टीना तुमने तो कमाल कर दिया, तुम सबसे बेस्ट हो। ये लो तुम्हारा पहला चेक। सिंडी आज का मेरा काम एकदम शानदार रहा है। तुम तो हमेशा क्रिएटिव रहती हो। नहीं आज की बात कुछ अलग ही है, टीना के साथ मुझे एक अलग ही तरह की एनर्जी महसूस होती है। देखना वो हमें जरूर सक्सेस दिलाएगी। क्रिस्टी हम तैयार हैं, नए कलेक्शन के लिए मेजरमेंट ले सकती हो। हाँ चलो करते हैं। हाँ ठीक है, जरा ऊपर देखो। सिंधी तुम ये क्या कर रही हो? मतलब हम ड्रेसेस कैसे बनाएंगे? लेकिन अब से मेरे बुटीक में सिर्फ टीना के ही मेजरमेंट लिए जाएंगे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। क्या क्रिस्टी, मैं आपकी फेवरेट हुआ करती थी। डार्लिंग शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी कि टीना स्टार है और तुम सब बैक सीट पर हो। ये बहुत गलत है। मैं टीना के लिए सच में खुश हूँ, उम्मीद है उसके लिए सब सही होगा। क्रिस्टी ये तो बेहोश हो गई, पता नहीं से क्या हो गया है। चलो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ हाँ रेडी। तो गर्ल्स अभी हम एक फोटो शूट करने जा रहे हैं, और सबसे बेस्ट फोटो हमारे मैगजीन कवर के लिए चूज की जाएगी। तो ये बढ़िया है ना? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी टीना से। ओ, ये कितनी बुरी है, हर जगह हमेशा फर्स्ट आती है। बढ़िया, यही तो हमें चाहिए। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे टीना से मिलना है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए हट सकती हूँ? ओके, मैं किसी और का ही पिक्चर ले लूंगी। हे, तुम नेक्स्ट। डियर टीना, ये तुम्हारे लिए। ओह वाह, एक और गुलदस्ता। जब तक तुम मेरे साथ डिनर के लिए मान नहीं जाती, मैं हमेशा फूल बेचता रहूंगा तुम्हें। तो फिर लगता है मुझे मनाना पड़ेगा, वरना मेरे पास गुलदस्तों का पहाड़ हो जाएगा। ओह, लगता है मेरे लिए मेल आया है। अरे ये क्या है, एक न्यू टॉप मॉडल। अरे ये तो टीना है ना, मेरी टीना। मुझे अभी के अभी सिटी में जाना होगा। मुझे खुशी हुई कि तुम मान गई आने के लिए। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। लो हमारे लिए सब तैयार है, बैठो। वाओ, मैं इतने शानदार रेस्टोरेंट में कभी नहीं आई। अब तुम रोज ऐसी जगहों पर मेरे साथ आओगी। तो हमें क्या बात करनी चाहिए, कुछ अपने बारे में बताओ। हाँ मैं बहुत फेमस टिकटॉकर हूँ, और मेरे पास पैसा और फैंस भी है। हाँ मुझे पता चला, शुक्रिया, खाना बहुत टेस्टी था। तो मेरे घर चलने का क्या ख्याल है तुम्हारा? सॉरी लेकिन मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है फिर, तुम मुझे किस दे सकती हो? अभी नहीं। ठीक है समझ गया, मैं जीत तो नहीं करूँगा, फिर मिलते हैं। क्या उसने सोचा कि मैं उसके प्यार में ऐसे ही पड़ जाऊंगी? नहीं। ये टीना कहाँ चली गई? शो शुरू होने वाला है। हमारी स्टार भाग गई, हैंडल नहीं कर पाई। अच्छा मैं बताना भूल गई कि किटी हॉस्पिटल में है, वो आज के शो में नहीं आ पाएगी। लेट होने के लिए सॉरी, मैं अब आ गई हूँ। तो तुम जल्दी आओ यहाँ पर।
उम्मीद है कि तुम सब अपने शेप में होगे क्योंकि आज का शो स्विम सूट में है। जल्दी टीना को तैयार करो, शो शुरू करो। तो फिर क्या तुम क्रिस के साथ डेट पर गई थी? हाँ मैं गई थी, वो किस करना चाहता था लेकिन मैं बच गई। शानदार, उसे थोड़ा परेशान होने दो। ओह लगता है मैं अपना कंसीलर ब्रश भूल गई, मैं लेके आती हूँ। पता नहीं क्रिस अगली बार क्या सोच कर आएगा। हेलो टीना। जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हें मैगजीन में देखा था और मैं अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गया। चलो एक नई शुरुआत करें। क्या तुम सीरियस हो? तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? बिल्कुल नहीं। टीना तुम तो काफी बदल गई हो। मैं अब पहले जैसी टीना नहीं रही, मैं अब टॉप मॉडल हूँ और मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। सॉरी मेरा शो है लेकिन। आप सबका स्वागत है फैशन लवर्स, इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके सामने विंटर बिकनी कलेक्शन प्रेजेंट करेंगे। अरे ये टीना कहाँ पर है, उसे क्या हो गया, वो यहाँ क्यों नहीं है? टीना मेरी फेवरेट एक्ट्रेस आ गई, मुझे ये करना होगा। तुम क्या कर रहे हो क्रिस, मेरा शो चल रहा है। मुझसे शादी कर लो। ओह मुझे नहीं पता। चुड़ैल कहीं की जलन हो रही है, शायद मेरे पास एक प्लान है। क्रिस तो गया, इस बनावटी मॉडल ने उसे अपने वश में कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉस्ट्यूम को पसंद करने के लिए। अगर आपको किसी प्रपोजल की तलाश है तो लेडीज अपना ऑर्डर हमारे पास बुक करा सकते हैं। आज के दिन आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्रिस यहाँ से निकलो, शो खत्म हो रहा है। अरे किट्टी तुम आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी शेप में आ जाऊंगी। और बाकी लड़कियां कैसी हैं? शॉर्ट में बताओ तो क्रिस ने मुझे अभी प्रपोज किया है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, अब सब तुमसे चलेंगे और मैं भी। किट्टी तुम बैठी हुई क्यों हो, तुमसे मना किया था ना मैंने? ध्यान नहीं रहा। किट्टी तुम्हारे लिए किसी ने फ्रूट्स भेजा है, इंटरेस्टिंग है। ये असल में तुम्हारे लिए है टीना। मेरे लिए? ये अजीब है। वाह कौन हो सकता है, कहीं ये क्रिस तो नहीं? पता करते हैं। क्रिस मेरे साथ धोखा दे रहा है, अगर तुम्हें पता चाहिए तो 6 बजे उसके घर जाओ। क्या ये कोई मजाक है क्या, उसने अभी तो प्रपोज किया है। मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इसका पता लगाना होगा, अगर ये सच हो तो। क्रिस तुम कमाल के किसर हो, तो क्या अब हम डेट कर रहे हैं? नहीं देखेंगे, अभी टीना के साथ हूँ। ब्रेकअप करो तुरंत। अरे टीना गई, हमारा भांडा फूट जाएगा। तुम यहाँ पर छुप रहना, छुप जाओ यहाँ पर, नीचे ही रहना, ज्यादा आवाज मत करना। Hey, sweetheart. टीना ये तो बढ़िया सरप्राइज दिया तुमने तो। हाँ मुझे तुम्हारा नोट और इसमें पता मिला। कौन सा नोट? ये वाला, लिखा है तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे इसकी माँ। अरे मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं, ये सब झूठ है बिल्कुल, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ये सब झूठ है। अच्छा ऐसा है, ये किसकी आवाज है? कहाँ? उप्स, यहाँ इतनी धूल है कि छींकने के अलावा कुछ और कर ही नहीं पाई। बेवकूफ तुम ये कैसे कर सकते हो? कैसी, ये क्या कर दिया? शायद क्रिस का दिल बदल गया और उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया। कैसी, तुझे एक काम दिया था मैंने। अब हम शांति से डेट कर सकते हैं ना? मैं तुझ जैसे बेवकूफ से डेट क्यों करूं? Ha ha ha!
बस ये बुरा होता जा रहा है। मॉडल बनना एक भयानक आइडिया था। मैं मशहूर तो हो गई लेकिन दुखी हूँ। वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें बता दूं, हम लोग भी अच्छे मॉडल हैं। टीना ने शो में आने से इनकार कर दिया है। बहुत बढ़िया है, आखिर हमें उसकी जरूरत क्यों है? हाँ, क्योंकि वो तुम सबसे बेस्ट मॉडल है। उसके बिना शो पहले जैसा कभी नहीं होगा। लोग टीना को देखने आते हैं, और है क्या हमारे पास? हाँ? वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें बता दूं, हम लोग भी अच्छे मॉडल हैं। टीना की तुम में से कोई बराबरी नहीं कर सकता। टीना तुम तीनों पर से अकेली ही भारी पड़ जाएगी। अब शायद हमें उसे बात करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि टीना के बिना एजेंसी बंद करनी पड़ जाएगी। वाह, क्या वो सचमुच उसे इतना पसंद करते हैं? हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं टीना से? शायद मेरे पास एक प्लान है। लड़कियों, मेरे पीछे आओ। ए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे पास एक कॉल आया था, उन्होंने बोला कि मॉडल की तबीयत सही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टीना, क्या तुम बीमार हो? मुझे छुओ मत, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये तो सच में बीमार लग रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा के लिए मॉडलिंग छोड़ रही हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे साथ क्या करोगी। ये डेफिनेटली एक मेंटल इशू हो सकता है, हमें इसे अभी कभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। शायद ले जाना चाहिए, आप विशेषज्ञ हैं, आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन शो का क्या होगा? फिलहाल के लिए तो ये अभी पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकती है। मेरे कलीग और मैं इसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं बिना पैसे के गरीब रहना चाहती हूँ, फिर कोई मुझे धोखा नहीं देगा। मैं इसे नहीं बचा पाई। वाह, वे सच में उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि उससे छुटकारा पाना आसान होगा। उसने सब खुद किया, वो मम्मी जैसी दिखती है, तो हमें लगा वो बीमार है। अरे अब स्ट्रेस मत लो, वो अब हमें परेशान नहीं करेगी। मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या हो रहा है? हे टीना, तुम होश में आ गई? मैं यहाँ कैसे पहुँची? उन्होंने तुम्हें शांत करने के लिए कुछ दिया और तुम सो गई। क्या तुम भी इस कमरे में लेटी थी या मुझे भ्रम हुआ है? तुम होश में आ गई? ये कोई मजाक है क्या? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर जाना है। तुम नहीं जा सकती, तुम अभी बहुत कमजोर हो टीना। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। दरवाजा खोलो, खोलो। टीना, मुझे निकलना है। तुम ही पागल हो, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं नॉर्मल हूँ, एकदम नॉर्मल। लगता है बेहोशी की दवा काम नहीं कर रही है। चलो एक काम करते हैं, इसे दूसरे रूम में ले चलते हैं। मुझे मत छूना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। हाँ? क्यों? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं इसके लायक नहीं हूँ। टीना, तुम्हें अब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ। टीना, मुझे तुम्हारे को चेकअप करने होंगे। देख के तो लगता है कि तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर तो नहीं हुई हो। तुमने मुझे कमरे में बंद क्यों नहीं किया? ऐसा अकेले में ना तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और क्योंकि तुम अकेली इस रूम में हो तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। दरवाजा खोलो, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। टीना, मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, अगर तुम अच्छे से व्यवहार करोगी तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, मैंने सुन लिया। क्यों? क्यों? टीना, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम एक सुपर मॉडल हो, तुम्हारी लाइफ में होने वाली हर छोटी चीज इस मैगजीन की सुर्खियों में होती है। वाओ, मेरे बारे में तो आर्टिकल लिखे हैं। भयानक, और वो कहते हैं कि मुझे मेंटल डिसऑर्डर है, ये सच नहीं है। मैं जानता हूँ, और इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर घर पर चले जाएंगे, ठीक है? सैक, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो लड़कियों, जल्दी शुरू करो।
अपना बेस्ट दो। केसी आज के शो का चमकता सितारा है। बिल्कुल, टीना संभाल नहीं पाई लेकिन मैं पूरा करूंगी, मैं टॉप मॉडल हूँ। किटी अपने पैरों को सीधा रखो, आज तक तुम यही नहीं सीख पाई हो। होम स्वीट होम। मेरा घर, मैं भूल ही गई थी कि ये कितना भयानक है। मैंने थोड़ी मरम्मत करवाई है, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। फिर से मॉडल बनने के बारे में कुछ सोचा है? मुझे देखो, मैं किस तरह की मॉडल हूँ, वो एक गलती थी। टीना, मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। याद है तुम जब आए थे तो मैं कितनी खुश थी, बहुत ही ज्यादा। फिर तुमने कहा कि तुम्हें जाना होगा तो मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। तो क्या अब चीजें अलग होगी, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? टीना देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, लेकिन मुझे वापस भी जाना पड़ेगा। सच में? हाँ बिल्कुल, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, हम पैसे कमा सकते हैं और हमारे लिए एक बड़ा घर भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे बारे में क्या, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे हमेशा वहाँ रहना है। ऐसा नहीं हो पाएगा टीना, ये एक सुपर सीक्रेट जॉब है, वो तुम्हें कभी नहीं आने देंगे। ये कब तक चलेगा? शायद एक महीने या फिर सिर्फ दो महीने। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम एक बार अलग हो चुके हैं और मुझे इसका अफसोस है। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, महीनों में मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी बाहों में आऊंगा। एक साल बीत गया, जैक का कोई पता नहीं है, वो मुझे नहीं चाहता है, मैं क्या करूं? किटी, मेरी पुरानी दोस्त किटी, वो टॉप मॉडल बन गई है, क्या अचीवमेंट है। शायद मुझे वापस जाना चाहिए, मैं उन्हें मुझे वापस लेने को कहूंगी। हाँ, लगता है ये काम करेगा। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ओह डियर, तुम कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ टीना, हमने साथ में काम किया हुआ है। सच में? क्या सच में तुम हो? हाँ, मैं वापस आना चाहती हूँ। क्रिस्टी कहाँ है? मैं उसे बात करना चाहती हूँ, शायद वो मुझे वापस ले ले। ये बकवास है, क्या तुम सीरियस हो? हाँ। ध्यान से सुनो, अब हेड डिजाइनर मैं हूँ। क्रिस्टी दूसरे शहर चली गई और मैंने अपना खुद का कलेक्शन बनाने का सोचा और किटी को टॉप मॉडल बनाया। वाह बढ़िया, क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ? मुझे कोई जॉब दे दो, मुझे टॉप मॉडल नहीं बनना, बस कुछ। डार्लिंग, क्योंकि तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लूंगी। क्यों? मैं अब सिर्फ एक क्लीनर हूँ, मैं रैंप पे साफ कर रही हूँ और भाप दे रही हूँ। मैं कितनी मूर्ख हूँ, उस क्रिस के प्यार में मरकर सब खो दिया। तो आज हमने सोचा कि ऐसा व्लॉग बनाते हैं जो नॉर्मल से थोड़ा हट कर हो, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन सब के लिए जो देखते हैं। हम यहाँ पर है क्रेजी घर के एक्ट्रेस के साथ, चलो वेलकम करो। और साथ में हम पता लगाएंगे कि उनके ड्रेसेस की कितनी कीमत है। तो ठीक है, मियाँ से शुरू करते हैं हम। मियाँ की उम्र और जेंडर दोनों अननोन है, हमें बताओ इस ड्रेस की कीमत क्या है। हेलो एवरीवन। अरे रुक क्यों गए, तालियां बजाते रहो यार, बजाते रहो। ओ समझ गए। ओह ये विग, मैंने उन्हें झूठ बोलते हुए पकड़ा। हाँ, और ये फ्री है। ओहो समझ गया, तो जीरो कॉस्ट हुआ। गिनती करने वाला कोई है? हाँ मैं गिनता हूँ। तो चलो गिनो फिर, तो चालू करो, अपना कैलकुलेटर भी साथ लाना। बोलो। क्या मैं टॉप टू बॉटम जा सकती हूँ? तुम चाहो नीचे से शुरू करो, ऊपर से करो या बीच में से कर लो। बात करते हैं इस बॉमर जैकेट के बारे में। हाँ? मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो इसकी कितनी कीमत है? बेसिकली ये एक गिफ्ट तो है। इसे गिन लो, चाहे ये जीरो ही क्यों ना हो। चलो अगला बताओ। और ये पैंट खरीदा है। इसे जीरो में गिना जाएगा? हाँ जीरो। नहीं। तो दोस्तों चलो अब अपने अगले आइटम की तरफ बढ़ते हैं और तुम यहाँ से निकल जाओ, निकलो यहाँ से, चलो। हेलो सब लोग, तो चलो फिर जोर से तालियां बजाओ, ये बजाते रहो यार। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कृषि से, तो बताओ आपके कपड़ों की कितनी कीमत है? अबे ये ड्रेस तो सेट की है। बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ कपड़ों की कीमत बताओ। हाँ, करेंगे करेंगे, प्रॉमिस रहा, जरूर करेंगे। कैमरामैन कट।
क्या मैं भी टॉप मॉडल बन सकता हूँ क्या? अबे तुझे लड़का बनना है कि लड़की, पहले ये बता। टॉप मॉडल तो दूर की बात है। सब लोग सुनो, मैं घर वापस जा रहा हूँ। क्या सिर्फ मैं हूँ या तुम क्रैश कर गई हो हॉस्पिटल में? अरे अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, मैं भूल गई। तो तुम इसे अपना क्रश कहते हो क्रिस? तो तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ बैठे तुम्हारे इंतजार? शायद मेरे बॉयफ्रेंड का होगा ये। ये नोट पढ़ो, ये बकवास। इसके बाल तो गोली जितने। अरे गधे की तरह लात क्यों मार रही हो? Let the rhythm